हेलो फ्रेंड्स, हम मीनाक्षी राठौर अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत दिन हो गए, सो आप सबके लिए कि ये थोड़ा क्या है, पुराने वीडियो से रिलेटेड ही वीडियो है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो है ऑयलिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ बताया था, ठीक है। तो जो से मैंने फेस पर लगाया था जो ऑयल, उसके बारे में मुझे आपको आज सबसे पहले बताना है। कल मैं एक्चुअली क्या है कि कहीं पर गई थी, फर्स्ट था तो जनवरी, तो इनवाइट किया था किसी ने, तो वहाँ मेरे भैया भाभी के यहाँ पर वो भी थे। तो भाभी ने बताया मुझे कि उन्होंने जो ये वाला ऑयल है, जो मैंने तीन मिक्स करके ऑयल आपको बताए थे, इसमें था आलमंड, बादाम का तेल था इसमें, इसके अंदर जो है ऑलिव का है और एक नारियल का है, तीन ऑयल्स में मिक्स है। और आप अगर देखो तो कि जो नारियल का तेल होता है वो सर्दियों में जम जाता है, लेकिन इसके अंदर दो ऑयल और साथ में है, तो इसलिए ये नहीं जम रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है। लेकिन उन्होंने तीनों क्वांटिटी सिमिलर रखी है और उन्होंने इसको लगाया, और एज है जैसे कि उनके दो बच्चे हैं, एक 17 ईयर्स 18 ईयर्स ओल्ड है और एक छोटा बच्चा जो है उनका वो 12-13 साल का है। तो एज है उनकी, और उनकी जो स्किन है वहां पर उनके झाइयां थी, तो मैंने तो उन्हें ऐसे ही जस्ट रिकमेंड किया था स्किन के रिगार्डिंग ही, बट उन्होंने लगाया और उनकी जो झाइयां है ना, एज का जो इफेक्ट है वो भी उनकी जो है स्किन से रिमूव हो गया। और एक चीज और है, इसका जो बेनिफिट है इस ऑयल का, मैं क्या बोलूँ कि मल्टीपल इम्पैक्ट्स है इसके। मेरे कहीं जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसकी वजह से आप जानते हो कि स्किन के ऊपर ब्लैक जो है निशान हो जाते हैं, या स्कार अगर हो जाए या कहीं पर खरोच आ जाए तो उसकी वजह से जो निशान हो जाते हैं वो भी इससे जो है। मैंने खुद ने ये चीजें यूज ली है, इसलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रही हूँ आप सब लोगों को। और ये तो मैंने एजिंग वाला तो मैंने नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं काफी टाइम से इसको लगा रही हूँ, बट भाभी के ऊपर मैंने इसका इम्पैक्ट देखा कि उनकी जो ये जो स्किन है यहाँ पे, उनकी काफी सारी झाइयाँ थी तो वो तक चली गई है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि किसी को अगर एजिंग वाला इशू है और किसी को अगर जैसे ये झाइयों वाला इशू है, तो एक बार इसके ऊपर भी आप लोग ट्राई करो, क्योंकि जो झाइयाँ होती हैं या एजिंग का जो इम्पैक्ट आता है वो सबसे पहले आता तो एंग्जाइटी की वजह से ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप जो है क्या करें, एंग्जाइटी को रिमूव करने पर सबसे पहला अपना फोकस रखें। फिर जैसे ही आपकी एंग्जाइटी रिमूव होती है तो उसके बाद में फिर अपनी स्किन पे, अपनी आसपास की जो चीजें हैं उनके ऊपर केयर करना शुरू करें। मेरी आदत है कि मैं बस यही जो है बांधा अपना सर, और इसके बाद में फिर क्या है कि ऊपर रख लेती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत वो दिखना है या नहीं दिखना है। सो मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर हम खुद खुश हैं ना, तो सेकेंडरी थिंग्स ना कोई मैटर नहीं करती कि आप कैसे लग रहे हो, नहीं लग रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया था आपको एंग्जाइटी में, वो यही बताया सबसे पहले एंग्जाइटी के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने छोटे छोटे से ही वीडियो बनाए हैं, ज्यादा कोई बड़े नहीं है, आप उन्हें देखो और उनसे रिमूव हो। उसके बाद में फिर जो है ये जो चीजें स्किन है, केयर है, इनके ऊपर जो है मैं धीरे धीरे जो वीडियो लेकर आ रही हूँ, ये मैंने रैंडमली ऐसे ही बनाना था मुझे वीडियो, इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। बाकी अभी इसके बारे में मुझे खास करके बताना था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं तो आपको इसमें बताऊं कि कितने फायदे हैं इस ऑयल के। सो बाय गाइस, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारा सब कुछ कंटेंट भी बता दूंगी। सो बाय, हैव यू एंजॉय योर न्यू ईयर, न्यू रेजोल्यूशंस एंड बेस्ट इन योर लाइफ। बाय।